ठीक तरह से दाढ़ी की ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती है? क्या ऐसे काम रहते हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनकी दाढ़ी मूछ नहीं आ पाती? हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे बहुत सी कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर मेरी इतनी एज हो गई, मेरी दाढ़ी नहीं आई, मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, पता नहीं इस काम से मेरी दाढ़ी मूछ नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ऐसे 5 काम करते होंगे या आप ऐसे 5 काम करते हो जिसके कारण आपकी दाढ़ी मूछ नहीं आ सकती। तो ऐसे कौन से काम होते हैं? नंबर 1 होता है मैस्ट्रुएशन यानी हस्तमैथुन। अगर आप इसको करते हो, इससे आपकी दाढ़ी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता आपके दाढ़ी की बालों की ग्रोथ पर, बट इससे क्या होता है, आपके जो जेनेस्टिक रहता है ना, वो वीक होते हैं। इससे आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं। इस पर अलग टाइप से आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। इससे आपकी बॉडी इंक्रीज ही नहीं हो पाती, ना आपकी बॉडी की ग्रोथ हो पाती है। अगर आपकी बॉडी की ग्रोथ ही नहीं होगी तो आपके दाढ़ी के बालों को पोषण नहीं मिलेगा, यानी आपके दाढ़ी के बालों को प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपकी दाढ़ी वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी, यानी उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। सेकंड होता है प्रोटीन विटामिन। अगर आप प्रोटीन विटामिन ही नहीं लेते हो, यानी अगर आप ठीक तरह से कुछ खाते नहीं हो, आपकी बॉडी को कुछ लगता नहीं है, आपके बालों में ठीक तरह से ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है इनमें, तो आप अच्छा प्रोटीन विटामिन ले सकते हैं। थर्ड होता है पॉर्न मूवीज। अगर आप पॉर्न मूवीज देखते हो तो इससे क्या होता है, इससे आप उत्तेजित होते हो, यानी आप इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एक्टिवेट होते हो, जिससे आपका जो पूरा दिन रहता है, जो आपकी जो हार्मोन्स रहते हैं, जो आपका स्पर्म रहता है, वो कहीं ना कहीं से इधर उधर हो जाता है, जिससे आपके शरीर में वो हार्मोन्स वहीं की वहीं रह जाता है, जो कि जब तक आपका स्पर्म बाहर नहीं निकलता तब तक आपकी बेटी ग्रोथ ही नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पॉर्न मूवीज देखते हो, उससे आपकी वेट पर अलग तरीके से इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ होता है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। जो भी आप करते हो, अगर आप ड्रिंकिंग करते हो तो उससे आपके जेनेटिक में प्रॉब्लम आती है, आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाती और आप एक अलग ही नशे में डूब जाते हो। यानी आप अगर स्मोकिंग करते हो तो आपको जो धुआं वो अंदर जाता है, तो वो आपसे पता नहीं किस किस टाइप से आपको परेशानी दे सकता है। आप ड्रिंकिंग करते हो तो ड्रिंकिंग से क्या होता है, लोग खाना नहीं खाते हैं, तो उससे आपकी बहुत ही ज़्यादा परेशानी आपके शरीर में आती है। 5 होता है डिप्रेशन। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, या डिप्रेशन में हो, या उसकी फिक्र करते हो, यानी आप दाढ़ी को ही लेकर फिक्र करते हो, तो ये भी एक डिप्रेशन ही होता है। डिप्रेशन में आपका शरीर एंड माइंड बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करने लग जाता है, जिससे आपकी जो इंक्रीज क्षमता रहती है, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ क्षमता, बालों की ग्रोथ क्षमता रहती है, वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल समस्या है, सबकी होती है, जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लोग करते हैं। लेकिन जब वो किसी चीज़ से परेशान होते हैं, जैसे कि आप अभी बीएड को लेकर परेशान हो, दाढ़ी मूंछ को लेकर परेशान हो, तो अभी आपको ये बातें धीरे धीरे आपका जो आपने किए हैं वो कर्म आपके सामने आ रहे हैं। इस पर ध्यान दें कि हमको ये काम नहीं करना, हमें हमारे बीएड की ग्रोथ पर ध्यान देना है। तो आप इन ट्रीटमेंट को फॉलो करें। आप जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल स्ट्यू या फिर बीएड ऑयल, जिसका भी आप यूज़ कर रहे हो, वो अलग बात होती है, बट ये एक पर्सनल प्रॉब्लम होती है जो कि हमारे ही हाथों में रहती है। नहीं तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर आप ये काम, आपकी दाढ़ी मूछ भी है, अगर आप ये काम भी करते हो, तो फिर वो बाद में दाढ़ी मूछों के बाल झड़ने लग जाते हैं। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लमों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये मैंने 5 आपको बताया। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप इसको अभी से ही बंद कर दो, ताकि आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो ब्राइट हो और आपको ऐसी कोई समस्या ना आए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे FB ID पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।